हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी, देखते ही आप ज़रूर बनाओगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन आधा कप ले लिया है, आधा कप सूजी ले ली है। आज मैं सूजी बेसन से ही तैयार करूँगी ये रेसिपी, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दो चीज़ से ही बनाएंगे। एक चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, एक चौथाई चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, और एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है कलर के लिए, और एक चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, एक चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, और एक चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। दो मैंने हरी मिर्च ली हैं जो बारीक बारीक काट ली हैं, और थोड़ी सी ली हैं धनिया की पत्ती, और ये भी मैंने धोकर काट ली है। अब इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। ये रेसिपी आप अगर आपने पूरी एक वीडियो देख ली तो आप ज़रूर बनाओगे। और इस तरह अब इसे हम मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसका घोल बनाकर पहले तैयार करेंगे। पानी को एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को डालें, जिससे इसमें लम्स नहीं रहे। अब मेजरमेंट का ध्यान रखना, हमने एक कप पानी अभी लगा लिया है, अभी इसे तो एक कप पानी फिर ले लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालकर और इसकी गांठें निकाल लेंगे। अब इस तरह हम इसे मिला लेंगे, और अब इसमें पानी थोड़ा फिर डालेंगे। टोटल हमने 2 कप पानी डाल लिया। अब इसे हम खूब अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये हमारा 3 कप पानी लग चुका है। अब ये हो गया है तैयार। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। बस इतना पतला अभी रखना है, अगर रखने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें पानी और डालेंगे। अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, और अपने वेटर देख लेते हैं घोल को कैसा हुआ है तैयार। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। सूजी है तो फूलेगी, तो इसलिए गाढ़ा हो गया है। अब टोटल हमने ये पानी पूरा कप जो रह गया था वो डाल लिया है, और ये घोल हो गया है तैयार। इतना पतला ही रखना है, इससे गाढ़ा नहीं रखना है आपको। और अब चलो हम आगे की तैयारी करते हैं। अब इस कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, और इसमें थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। एक चम्मच लगाएंगे राई, और एक पिंच लगाएंगे हींग, बेसन है तो हींग बहुत ज़रूरी है। अब हम अपना घोल इसमें छोड़ देंगे। अब घोल को हम चलाएंगे, इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे नहीं लगे। और इस तरह थोड़ा थोड़ा घोल हमारा गाढ़ा होने लगा है, और गैस आप इस टाइम लो मीडियम मीच रखें। और इस तरह घोल पकने लगा है और थिक होने लगा है। अब हम इसे चलाते लगातार रहेंगे, इसे छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा घोल हमारा दो फोम में आ गया है। अब यहाँ पर गैस को कर लेंगे लो, और लो गैस पर ही हम इसे पका कर करेंगे तैयार। अब ये सूजी बेसन पक गया है, अब हम इसे एक बर्तन में करके और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, खूब अच्छी तरह इसे पका लें। देखो ये मेरा पककर हो रहा है तैयार, और अब इसे हम बर्तन में करके और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इस प्लेट में मैंने कर लिया है, और इसे फैला देंगे जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए, और इसे अलट पलट कर हम जल्दी इसे कर लेंगे ठंडा। और ये अब हो गया है ठंडा, और हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अपने हाथ पर, और इसे जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से इसे गूंद कर करेंगे तैयार। ये एकदम चिकना बनाएंगे, जैसे आटा चिकना चिकना गूंद कर लेते हैं तैयार। ऑयल हाथ पर लगाते जाएं जिससे ये चिपके नहीं। अब ये हो गया तैयार, और
अब हम हाथ साफ़ कर लेते हैं। हाथ साफ़ करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी एक लोई पहले बनाएंगे। लोई को हम ज़्यादा नहीं मोटा और ना ज़्यादा पतला बनाएंगे। और इस तरह मैंने लोई बनाकर और इसे कर लिया है इस तरह सिलेंडर आकार में हम बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम दो उंगली से इस पर देंगे डिजाइन। अब इस तरह हम चारों तरफ से इसे ठोंक लेंगे। इस तरह बस ये डिजाइन हमें देना है, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह मैं सारी पीस बनाकर तैयार करूँगी। अब हम इसे लगा लेते हैं और इसी तरह की डिजाइन हम बनाएंगे। बहुत जल्दी ये नाश्ता बनकर हो जाता है तैयार। गर्मियों में किचन में जाने का मन नहीं करता है तो फटाफट हम इस नाश्ते को बनाकर कर लेते हैं तैयार। अब ये हो गया है तैयार और इधर हमारा ऑयल भी मैंने गरम होने रख दिया है। ऑयल हो गया है गरम, अब इसमें हम छोड़ देंगे और ये फटाफट सिक जाता है। यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको सिकने में। और गैस मीडियम ही रखेंगे, मीडियम गैस पर ही सेकेंगे। अब हम नीचे से ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें पलट लेंगे। और आराम से पलट रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कोई भी परेशानी नहीं हो रही है और ना चिपक रहा है, बहुत अच्छी तरह से पलट रहा है। और बेसन सूजी तो हमारी पहले ही पक चुकी है, बस हमें हल्का सा फ्राई करना है और कम बहुत कम ऑयल में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। इसमें कोई भी झंझट नहीं है, नई सब्जियों की ज़रूरत है और ना किसी चीज़ की। अब ये हमारा सिककर हो गया है तैयार। अब हमने अलट पलट कर सेक लिया है, अब हम इस नाश्ते को निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे नाश्ते को निकाल कर लूँगी तैयार। आप एक इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखना, आपको वह बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है और बिल्कुल भी झंझट नहीं है इसे बनाने में। और बस इस तरह ही सारे को मैं सीख। अब नाश्ता हो गया है तैयार। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अभी मैं तोड़कर दिखाऊंगी, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। चलो चलते हैं।